मन में सोचे हुए कार्यों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें अपने मन में सोचे हुए कार्यों को तुरंत वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के सामने रखना कई बार हानिकारक हो सकता है। इससे ना केवल हमारी योजना में बाधा आ सकती है, बल्कि अन्य लोग उसका लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए हमें चुप रहकर विचार करना चाहिए, अपनी योजना का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और सही समय पर उसे कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। यह नीति धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा करने की सलाह देती है। जल्दबाजी या उत्साह में आकर दूसरों को अपने मन के विचार बताना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम अपने विचारों को जल्दी साझा करते हैं तो हो सकता है कि दूसरे लोग उन विचारों को अपनाकर उससे लाभ उठाएं, यानी कि वो हमारे विचारों की चोरी कर सकते हैं। समय की बर्बादी, बिना सोचे समझे किए गए कार्य अक्सर असफल हो जाते हैं। बिना गहराई से विचार किए निर्णय लेना समय और संसाधनों की बर्बादी हो सकता है। विश्वास की कमी, अगर आप अपने हर विचार को तुरंत प्रकट करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। गुप्त रूप से काम करना और सही समय पर उसे अंजाम देना आपकी छवि को मजबूत बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। बगुला शांतिपूर्वक अपने शिकार का इंतजार करता है और सही समय पर कार्यवाही करता है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं और धैर्य नहीं रखते तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं। बिना सोचे समझे लिया गया फैसला अक्सर असफलता का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यवसाय शुरू करते समय बिना बाजार का सही आकलन किए निवेश करता है तो उसका नुकसान होना लगभग तय है। इंद्रियों पर नियंत्रण ना होने से भटकाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो हम अनुशासनहीन हो जाते हैं। इससे हमारी एकाग्रता और लक्ष्य से भटकाव हो सकता है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के समय मोबाइल या अन्य व्याकुलताओं में उलझा रहे तो उसकी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और वह असफल हो सकता है। समय के अनुसार निर्णय न लेने से अवसर चूकना। सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता दिलाता है। अगर हम समय का महत्व नहीं समझते और सही समय पर निर्णय नहीं लेते तो हम अपने जीवन में आने वाले बड़े अवसरों को खो सकते हैं। जैसे किसान अगर सही समय पर बुआई ना करे तो फसल खराब हो जाती है। इसी तरह समय के प्रति असावधानी जीवन में अवसरों को गंवा देती है। आत्ममूल्यांकन ना करने से क्षमता का गलत आकलन। चाणक्य हमें अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने की सलाह देते हैं। अगर हम अपनी सीमाओं और ताकतों को ठीक से नहीं समझते तो हम असफलता के जाल में फंसे रह सकते हैं। बिना अपनी क्षमता को जाने अगर हम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो असफलता निश्चित है। आत्ममूल्यांकन ही सफलता की कुंजी है। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का यह कथन हमें यह सिखाता है कि दूसरों के रहस्यों और भेदों को प्रकट करने से केवल उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचता है। जब हम किसी की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं
तो हम न केवल उस व्यक्ति के साथ विश्वास तोड़ते हैं बल्कि अपने लिए भी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको अपनी निजी बातें बताई है और आप उन्हें दूसरे के सामने उजागर करते हैं, तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक हो सकता है बल्कि आपकी विश्वसनीयता भी दांव पर लग जाती है। जैसे एक सांप जब बांबी में फंसता है तो वह खुद को बचाने में असमर्थ होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब हम दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं तो हम भी समाज में अपनी स्थिति खो सकते हैं और हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, यानी हम किसी की चुगली करते हैं। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो परिणाम स्वरूप विश्वास का टूटना। जब आप किसी के रहस्य को प्रकट करते हैं तो वे आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा, यह आपके रिश्तों को कमजोर कर देता है। समाज में स्थान की हानि। एक व्यक्ति जो दूसरे की गोपनीयता का सम्मान नहीं करता, उसे समाज में प्रतिष्ठा कभी नहीं मिलती। इससे उसकी पहचान और सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत नुकसान। इस प्रकार के कार्य से व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है। जब लोग आपको विश्वास के लायक नहीं समझते तो ये आपसे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं, जिससे आप एक समय पर अकेले हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य के सूत्र से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे के साथ संवेदनशीलता और गोपनीयता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम दूसरों की बातों का आदर करेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और हम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, दूसरे के भेदों को कभी प्रकट ना करें, क्योंकि यह ना केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी है। गोपनीयता का सम्मान करना ही सच्चे मित्र और रिश्तों की नींव है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, जो जैसा करे उससे वैसा ही बर्ताव करो। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक से हिंसायुक्त और धोखेबाज के व्यवहार करने पर किसी प्रकार का पाप नहीं होता। आचार्य चाणक्य हमें सीख देते हैं कि हमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए और उसे परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार ढालना चाहिए। अगर हम कृतज्ञता और साहस से अपने आचरण को निर्धारित करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। यदि इसका पालन नहीं किया गया और यदि हम हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं तो हम अन्याय को सहन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हमारे आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। नकारात्मक प्रभाव। अगर आप दुष्ट या हिंसक व्यक्तियों के प्रति उदारता दिखाते हैं तो इससे न केवल आप बल्कि आपके आसपास के लोग भी नकारात्मक प्रभावों का सामना कर सकते हैं। यदि आप दूसरे के प्रति उनके व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो इससे आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। लोग आपकी प्रतिक्रियाओं को समझ नहीं पाएंगे और आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है या आपकी सहायता करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता और आदर व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। यह अच्छे संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति हिंसक या दुष्टता का व्यवहार करता है तो हमें भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा मूक रहें। इस नीति के अनुसार दुष्टता का मुकाबला करना सही है और यह किसी प्रकार का पाप नहीं है। इस नीति का पालन करने से हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि हम गलतियों के प्रति चुप रहते हैं
तो यह न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, दूसरों के प्रति व्यवहार का निर्णय उनके कार्य के अनुसार करें। सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना ही आपको जीवन में सच्चा संतुलन और न्याय स्थापित करने में मदद करेगा। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने संबंधों को कैसे मजबूत और संतुलित रखना चाहिए। किसी कष्ट या आपातकाल या आपदा काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके भी परिवार या स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु परिवार और धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपनी स्वयं की रक्षा करे। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं, किसी भी कठिनाई या आपदा के समय धन का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, यह हमारे प्रयासों का परिणाम है और इसे विवेकपूर्ण तरीके से संभालना चाहिए। अगर हम धन की रक्षा करते हैं तो हम आपातकाल में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। धन खर्च करने से भी महत्वपूर्ण है हम अपने परिवार की सुरक्षा करें। परिवार का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार धन का उपयोग करना चाहिए। जब संकट आता है तो धन की अपेक्षा परिवार की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्वयं की रक्षा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते तो धन और परिवार की सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति को अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने धन को अनावश्यक चीजों पर खर्च करता है तो आपदा के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और यदि परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और अगर व्यक्ति अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करता है तो इसका प्रभाव उसकी सेहत और उसके कल्याण पर पड़ सकता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। इसलिए हमेशा याद रखें, संकट के समय अपने धन और परिवार की सुरक्षा के साथ साथ अपनी स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। केवल जब हम सुरक्षित होंगे तभी हम अपने परिवार और धन की सही तरीके से रक्षा कर पाएंगे। यह संतुलन ही जीवन में स्थिरता और सफलता लाने में मदद करता है। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों और परिस्थितियों से दूर रहना आवश्यक है। मूर्ख शिष्य को उपदेश देना, मूर्ख शिष्य को शिक्षा देना समय की बर्बादी हो सकती है। यदि शिष्य समझने में असमर्थ है तो उसके लिए दी गई शिक्षा व्यर्थ हो जाती है, इस परिश्रम का कोई लाभ नहीं होता। दुष्ट व्यभिचारी स्त्री का पालन पोषण, यदि कोई स्त्री दुष्ट और व्यभिचारी है तो उसका पालन पोषण करने से बुद्धिमान व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों का शोषण करते हैं। धन का नष्ट होना न केवल आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है बल्कि यह मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि धन की रक्षा करना और उसे विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करना बहुत आवश्यक है। और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखना, दुखी व्यक्ति के साथ हमेशा सहानुभूति दिखाना जरूरी नहीं है, खासकर अगर वह व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनके दुख से प्रभावित होना और खुद को उनकी समस्याओं में लिप्त करना व्यक्ति की मानसिक शांति को भंग कर देता है। यदि इस नीति का पालन नहीं किया गया तो समय और ऊर्जा की बर्बादी, मूर्ख शिष्य को समय देना केवल निराशा और तनाव का कारण बन सकता है। दुष्ट लोगों के साथ संबंध रखना मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से हानिकारक हो सकता है।
और इससे व्यक्ति खुद को जोखिम में डालता है। आर्थिक हानि, यदि धन का सही प्रबंधन नहीं किया गया तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। भावनात्मक तनाव, दुखी लोगों के साथ अधिक समय बिताने से व्यक्ति स्वयं भी दुखी रहता है। इसलिए हमेशा याद रखें, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करता है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे विकास में बाधा डालते हैं, और इस नीति का पालन करके हम अपने जीवन को और भी सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। क्रूर स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली और दुराचारिणी तथा धूर्त स्त्री, कठोर स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप होने की आशंका हो, ये सभी बातें मृत्यु के समान है। आचार्य चाणक्य की इस नीति से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों और वातावरण का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों और परिस्थितियों से दूरी बनाना ही हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। क्रूर स्वभाव वाली स्त्री, क्रूर और कठोर स्वभाव वाली स्त्री के साथ जीवन बिताना मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध रखने से हमेशा संघर्ष और असंतोष हो सकता है जो जीवन को कठिन बना देता है। दुराचारिणी स्त्री, यदि कोई स्त्री दुराचारिणी है तो उसका साथ व्यक्ति के लिए नकारात्मक परिणाम ला सकता है। ऐसे व्यक्तियों से संबंध रखना न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि मानसिक शांति को भी भंग कर सकता है। धूर्त मित्र, एक धूर्त और कठोर स्वभाव वाला मित्र व्यक्ति के लिए कभी भी एक बड़ी समस्या बन सकता है। ऐसे मित्र विश्वासघात कर सकते हैं और व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। मुंहफट नौकर, एक ऐसा नौकर जो सामने बोलने में संकोच नहीं करता, वह व्यक्ति की गोपनीयता को भंग कर सकता है। ऐसे नौकरों से और व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे आपकी व्यक्तिगत जानकारी को दूसरे के सामने उजागर कर सकते हैं। यदि किसी घर में सांप होने की आशंका हो तो यह हमेशा खतरे का संकेत है, क्योंकि इस तरह के स्थान पर रहना मानसिक सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे कि अनिश्चितता और डर का जो वातावरण बनेगा वह आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। आपको हमेशा अनिश्चितता रहेगी कि कब क्या हो जाए। यदि आचार्य चाणक्य की इस नीति का पालन नहीं किया गया तो इसके परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव, क्रूर और कठोर स्वभाव वाले लोगों के साथ समय बिताने से व्यक्ति में तनाव और चिंता बढ़ जाएगी। दूसरा, संबंधों में दरार, दुराचारिणी के साथ संबंध रखने से सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि होगी। तीसरा, विश्वास का टूटना, धूर्त मित्रों की संगति में आना व्यक्ति के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा, इससे उसके विश्वास में कमी आ सकती है। गोपनीयता का उल्लंघन, मुंहफट नौकर के कारण आपकी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी उजागर हो जाएगी। और खतरनाक वातावरण, सांप वाले घर में रहने से जीवन में खतरा हो सकता है जिससे मानसिक शांति को भंग किया जा सकता है। अतः हमें आसपास के लोगों और वातावरण का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखें, अपने जीवन में क्रूरता, धूर्तता और खतरनाक वातावरण से दूर रहने में ही भलाई है, बुद्धिमानी है। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण ही सफलता और खुशहाल जीवन की कुंजी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में हम तक अपने विचार जरूर पहुंचाएं, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए चाणक्य नीति का तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा।